ये देखिए कितना सुंदर कलर आई है, एकदम रेड रेड, एकदम सुंदर कलर। ये है हैदराबादी कुक का कमाल। और मस्त बनी है चिकन, फाइनली हमारा चिकन बन के रेडी। चलिए चलते हैं और करते हैं डिनर। डिनर में खाएंगे भात और चिकन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 10:40। बस मैं थोड़ा लेट में उठा हूँ क्योंकि और कल रात को मैं थोड़ा लेट से सोया था क्योंकि जो एडिटिंग था वीडियो का थोड़ा ज्यादा था। 2-4 वीडियो मेरे को एडिटिंग करना था, पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं एडिटिंग कर रहा था रात भर। तो अभी मैं उठा हूँ। और आज का संडे है और कुछ स्पेशल बनाएंगे शायद, पता नहीं। लेकिन ये अभी थोड़ा मैं ब्रश कर लेता हूँ, फिर खाते हैं कुछ। जैसे कि थोड़ा कुछ खाना है, भूख भी लगी है जोर से, चलिए कुछ खा लेते हैं। चलिए थोड़ा ब्रश करता हूँ, अभी मैं ब्रश करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। वाह, कितना सुंदर चटनी बनी है। बस हम दोनों ने खाना शुरू कर दिया है। बासी भात आज घर में आ रहे हैं मेहमान, जैसे कि भाभी का मामू और छोटे मामी आ रहे हैं, इसीलिए भाभी पूरा तैयारी में लगी है, पूरा मेहमानबाजी की तैयारी पे। आज घर में 2-4 आइटम बनेगा। पहला तो अंडा करी के साथ वो बनेगा भिंडी आलू और वो कद्दू का फूल का बड़ा और साग, वो 4 आइटम बनेगा आज घर में। पूरा तैयारी में भाभी लगी रही है। ये देखिए, ये रहा, ये बनेगा अंडा करी और ये भिंडी आलू तो बन चुकी है। बस ये है कद्दू का फूल का बड़ा बन रही है। देखिए ये बन रही है बड़ा का तैयारी। और इसमें बनेगा शायद वहाँ पर साग बनी, वो जो बूढ़ी के अंदर साग है वो साग बनेगा। आज 4 आइटम बनेगा और घर में थोड़ा मेहमान आ रहे हैं, इसलिए भाभी एकदम पूरा तैयारी पर लगी है, थोड़ा खाने की तैयारी। अब बन रही है अंडा करी। नाला
चलिए पहले थोड़ा नहा धो के रेडी हो जाते हैं और दिखाता हूँ कौन कौन मेहमान आई है हमारे घर में। और चलिए पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ और नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलाता हूँ मेहमान फिर मिलाता हूँ सबसे। और खाने का टाइम, चलिए बस मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ। फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और करते हैं लंच। और मामू और मामी तो आके पहुँच चुके हैं, चलिए करते हैं लंच साथ में। और दिखाता हूँ आप लोगों को कौन आई है हमारे घर में। घर में कारण नहीं है, बस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाभी ने आज क्या बनाया। और शायद अंडा करी बनाया और साग बनाया और भिंडी आलू बनाया। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए अंडा करी और ये कद्दू का फूल का भरा, ये भिंडी आलू, ये साग। चलिए सारे लोग मिल के खाते हैं अभी। ये हमारा मेहमान, ये तो अभी अभी पहुंचे, फिलहाल अभी 1:30 बजे पहुंचे मामू और मामी। घर में कारण नहीं है, बस अभी खाते हैं सब लोग मिलके। चलो 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 खाए सब। बस हमारा घर में आज मेहमान फुल, बस गेलू मुझे बुला रहा है उंगली पकड़ के। बोल 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 को बोल को 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 चल भात खाया नहीं बाबा। चलिए खाते हैं मेरा गेलू और मैं। ये देखिए गेलू और उनका दो दोस्त आ चुके हैं, दोस्त नहीं उनका मामू भी बनेंगे, उनका मामू सोनू मामू और एक छोटा मामू है, दो मामू आए हैं। उनका साथ खेल रहा था, उनके लिए माजा लाए हैं, बस पी चुका है माजा, बस अभी खाएंगे भात, लंच करेंगे। फाइनली अभी टाइम हो रहा है शाम को 6:30, बस अभी सब लोग बैठ के टिफिन कर रहे हैं। और मामू और मामी जो आए हैं वो आरिसा पीठा और मीठा लेके आए थे और सारे लोग बैठ के खा रहे हैं, मैं लोग देखा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए बैठ के टिफिन कर रहा हूँ।
बस मैं भी थोड़ा खा लेता हूँ, चलिए इनके साथ में बैठ के मैं थोड़ा खाता हूँ बस। बस अभी टाइम हो रहा है शाम को 4, मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा क्योंकि दोपहर को कुछ खास नहीं बनी थी। बस और मामी जी और मामू आए हैं तो इसलिए रात को कुछ चिकन विकन बनाएंगे, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ चिकन लाने के लिए। चलिए मैं अब निकलता हूँ और चिकन लेके आते हैं। फाइनली मैं चिकन लेके आ चुका हूँ, चलिए बनाते हैं। हल्का पानी देना होता आज बनेगा देसी स्टाइल में चिकन। फाइनली चिकन बन के रेडी हो चुकी है, चलिए घर में चलते हैं और खाते हैं डिनर के साथ। डिनर में खाते हैं भात और चिकन। चिकन मस्त बनी है, हम लोग एक सारे लोग खा रहे हैं, बैठ बैठ के खा रहे हैं। फाइनली डिनर तो हो चुकी है, बस एडिटिंग स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।